नमस्कार, आई एम डॉक्टर मीनू वशिष्ठ आहूजा, कंसल्टेंट एट बिरला फर्टिलिटी IVF, रोहिणी, दिल्ली। आज हम बात करेंगे IVF फेलियर, इसका क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स प्ले में आएंगे। एम्ब्रियो की क्वालिटी, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट की क्वालिटी ऑफ गमीट्स यानी स्पर्म और एग पे डिपेंडेंट है। उसके बाद जिस तरह की हमने मेडिकेशन यूज़ की है अपने स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में, उसका भी मायने रहता है। फिर हमारी एग रिट्रीवल प्रोसेस, हमारी लैब की कंडीशन, हमारी लैब में एयर क्वालिटी और लैब के और पैरामीटर्स, ये सारा कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे गुड हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स द एम्ब्रियोलॉजी टीम विच लीड्स यू नो डूइंग आर IVF केसेस, हैंडलिंग इनसाइड द लैब, उनके गमीट्स को हैंडल करना, उनका IVF ICSI का प्रोसेस करना, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलके आपके गुड एम्ब्रियो, हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्मेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आपका एम्ब्रियो हेल्दी होना ज़रूरी है, आपके लाइनिंग हेल्दी होना ज़रूरी है। अब आप ट्रांसफ़र प्रोसेस की अगर बात समझें, जब हेल्दी एम्ब्रियो बन गया और हमें ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए हमारी एंडोमेट्रियम भी हेल्दी है, हमारा एम्ब्रियो भी हेल्दी है, अब ट्रांसफ़र के प्रोसेस में अगर आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस किसी वजह से स्मूथ नहीं है तो भी आपका आउटकम अच्छा नहीं होगा। सो इसके लिए एक प्रोसेस होता है मॉक ईटी, जो हमें एक प्रीसीडिंग साइकिल में करना चाहिए, यानी कि हम जिस तरह से ईटी करेंगे उसका एक मॉक ट्रायल रन करते हैं, द साइकिल प्रीसीडिंग दी ओरिजिनल साइकिल ऑफ दी FET। इससे फ़ायदा ये रहता है कि हमें जो पूरा ट्रैक्ट है, यूट्रोसर्वाइकल कैनाल, उसकी पूरी एनाटॉमी हम लोग एक बार जो है समझ लेते हैं। मान लीजिए कहीं कोई स्टिनोसिस है, सर्वाइकल स्टिनोसिस है, या कोई एंगुलेशन है, जो हम पहले ही उसका एक नोट बना लेते हैं, उसके लिए हम डे ऑफ FET पे रेडी रहते हैं कि ये हमारे चैलेंजेस हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो फिर हमारा प्रोसेस ऑन द डे ऑफ ट्रांसफ़र इज़ मच स्मूदर एंड ईजियर। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स और क्वेरीज विद रिगार्ड्स टू द रीजंस ऑफ IVF फेलियर और व्हाट एल्स कैन बी डन टू हेल्प यू विद योर cases of IVF failure, please feel free to reach out to us at birlafertility.com. Thank you so much. Book a free consultation today.